यस कम इन। सर आपने बुलाया? जी बस हारिफ आ जाए तो फिर डिस्कस करते हैं। सर हारिफ साहब तो अभी तक नहीं आए। आज भी नहीं आए? सर अभी तक तो ऑफिस नहीं आए। आपने कॉल की? जी सर मैंने कॉल की थी मगर उनका नंबर बंद जा रहा था। ठीक है आप जाइए, जब वो आते हैं तो फिर डिस्कस कर। जी सर। हेलो। कहाँ गुम हो? कहीं भी नहीं। कल से ना फोन पर बात कर रही हो और ना मैसेज का जवाब दे रही हो। तुम्हें बताया तो था कि घर पर रिश्मा आई हुई है। तो क्या हुआ, वो क्या तुमसे हर वक्त बातें करती रहती है या तुम्हें मसरूफ रखती है? उसे कंपनी तो देनी पड़ती है ना। अच्छा तो मुझसे ज्यादा तुम्हें अपनी बहन अजीज है। कम ऑन क्या हो गया है? बहन है वो मेरी, बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। मैं तुमसे आज मिलना चाहता हूँ, कोई सूरत निकालो। ये क्या बात कर रहे हो नौमान, मैं तुमसे आज कैसे मिल सकती हूँ? मुझे नहीं पता, जैसे पहले मिला करती थी। लेकिन नौमान, बाकी बातें मिलकर होती है। नौमान किन सोचों में गुम हो? नहीं कुछ नहीं। हारिफ भाई को सोच रही हो या माया को? हमदान को। अरे क्यों अपनी एनर्जी जाया कर रही हो उसको सोचकर? रेडी हो जाओ कहीं चलते हैं। कहाँ? कहीं भी बाहर। मेरा दिल नहीं चाह रहा। घर से बाहर निकलोगी तो दिल भी चाहने लगेगा। नहीं प्लीज नहीं। बस आज कुछ नहीं, मैंने कह दिया है ना कभी मेरी भी बात मान लिया करो। तुम्हारी ही तो मानती हूँ, बल्कि तुम अपनी मनवा लेती हो। ये तो है, फिर चलो चले चलो चलो सही चलो। तुम्हें पता है मैं कितनी उदास हो गई थी तुम्हारे बगैर। बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था इस घर में मेरा। आंटी आप पहले भी तो खेली रहती थी। हाँ लेकिन अब ये अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है मुझे। हमदान तो समझो बाहर ही रहता है, ऑफिस से आने के बाद भी बाहर ही चला जाता है। उसके पास तो छुट्टी वाला दिन भी घर पे गुजारने का वक्त नहीं है। उसके पास तो शायद मेरे भी वक्त नहीं है। वक्त निकलवाना पड़ता है मेरी जान। मुझे सब कुछ नहीं आता। तो सीखो। कहाँ से? फिल्मों से, ड्रामों से। उसमें ये सब बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा देखती हूँ मैं आज से ड्रामे। हाँ हाँ बिल्कुल लाजमी देखा करो।